कितना सुंदर हार है। थैंक यू माँ। बेटा, प्रदीप को तो हमने दुकान ले दी, पर हमें तेरे लिए भी तो कुछ करना था। क्या हुआ जी? बैंक का नोटिस है। प्रदीप ने कुछ महीनों से दुकान के लोन के किस्तें जमा ही नहीं किए। क्या हुआ? प्रदीप, तुम्हारी दुकान लेने के लिए मैंने अपना घर गिरवी रखा, पर तुमने बैंक के किस्तें तक नहीं चुकाई। बाबा, बेकरी वाले मोहन ने स्टॉक में पैसा लगवा दिए थे, वो बैंक से सेटल कर लेंगे, ये सब तो चलता है। अगर एक महीने में बैंक का लोन सूद के साथ नहीं चुकाया, मेरा तो घर गया। बाबा, मैं हमारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। क्या आप भी EMI ना चुकाने की गलती तो नहीं कर रहे? समय पर EMI चुकाओ ताकि घर और व्यापार दोनों सुरक्षित रहें।